वहीं कोरोना काल के बीच केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली है। यानी कि आपको बताएं कि अगर बजट पेश होता है तो साफ तौर पर आप भी देख सकते हैं कि कितनी उम्मीदें होंगी महिलाओं को, एक व्यापारी को, एक बिजनेसमैन को, हर किसी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में इसी विषय पर मेरे सहयोगी अशोक ग्रोवर ने खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। कोरोना काल के बीच जिस तरह केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है, जिससे आम लोगों को भी उम्मीदें हैं, उसके दौरान बार में भी वकीलों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि महंगाई के दौर में यह बजट आया है। इसको लेकर वकीलों से बातचीत करते हैं, इस बजट को लेकर उनके मन में क्या है, उनकी राय क्या है। क्या नाम क्या आपका? हरपाल ग्रोवर, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन रतिया। हाँ, ये बताएं, जो 1 तारीख को केंद्र सरकार बजट लेके आ रही है, किस तरह की उम्मीदें मानते हैं उससे? उम्मीदें तो बहुत सारी होती हैं। जब पटारा खुलता है तो सभी उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ होगा, लेकिन सभी के लिए कुछ ना कुछ नहीं हो पाता। उम्मीदें तो देखो जी, अब पटारा खुलेगा तो उम्मीद तो रखी जाती है कि इसके अंदर बढ़िया कोई आए, मगर उम्मीद आगे ये भी करते हैं, महंगाई कम होनी चाहिए हर चीज पे, जैसे किसानों पे है, खाद है, स्प्रे है, उस पे भी कुछ ध्यान देना चाहिए सरकार को। दूसरे गरीब आदमी है, सिलेंडर है, पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल डीजल कम हो जाए तो मेरे ख्याल 50% तो काम वैसे ही हल हो जाएगा। हमें केंद्र सरकार से यही आग्रह है कि जो मिनिमम टैक्स की स्लैब है, जो टैक्स रिबेट का दायरा है, उसे बढ़ाया जाए। जैसे वैसे महामारी कोरोना आया है, इसने लोगों की कमर तोड़ दी है, महंगाई कम की जाए, जीवन की आवश्यक आधारभूत चीज़ें हैं उसको टैक्स के दायरे से बाहर किया जाए। इसी तरह पेट्रोल डीजल को भी GST और टैक्स दायरे से बाहर किया जाए। हर एक वर्ग की आंखों में आशा है और उम्मीदें हैं कि उनकी उनके लिए कुछ होगा। जो मजदूर है, किसान है, चाहे वो व्यापारी है, सबको उम्मीद है। और हम हमारी जो वकीलों की उम्मीद भी यही है कि वकीलों के लिए भी कुछ रखा जाए इसके अंदर। अभी आपने सुना कि बार के वकीलों का सभी की एक ही राय है कि महंगाई कम की जाए, और जो डीजल पेट्रोल के दाम है अगर वह कम हो गए तो ट्रांसपोर्टेशन में जो भी रेट में कमी आएगी उसको लेकर महंगाई कम होगी। अशोक ग्रोवर, हरियाणा न्यूज, रतिया।